अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सज्जाद और आप देख रहे हैं डन। आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रेचर। जब पेंट किया जाता है तो उसको बहुत सारी सर्फिस पे किया जाता है, उसमें से जो एक सर्फिस होती है उसे बोलते हैं कैनवस। अब कैनवस को जो चढ़ाया जाता है लकड़ी के फ्रेम पे उसे स्ट्रेचर बोलते हैं। ये मेरे पास लकड़ी है, इसकी जो मेजरमेंट बनती है इसकी जो वो है 1.5 इंच है और यहां से 6/8, ठीक है, 6 सूत्र बनती है और यहां से इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 है। अब हमने इसको स्ट्रेचर बनाने से पहले इस लकड़ी को टेपर करना होता है। टेपर करने के लिए हम इसको इतना पार्ट निकाल देंगे, वो वे मैं भी निकालता हूं, वो आपको दिखाता हूं निकाल के। ये देखें, ये जो है ये पीस यहां से उतर गया है और ये इस तरह से थोड़ा सा एंगल, ये तकरीबन ये जो कटर सेट था ये 15 डिग्री पे सेट था और वहां से ये निकल आया। हमें यहां पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है जिसके ऊपर कपड़ा जो है वो आ जाता है। अगर हम बिल्कुल कॉर्नर रख देंगे तब ये यहां से टूटना शुरू हो जाएगा, ये यहां से ना कॉर्नर टूट जाएगा, तो इस वजह से यहां पे थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं और यहां से हल्का सा निकाल देते हैं। वो निकालते क्यों है, जब मैं कपड़ा इसके ऊपर चढ़ाऊंगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। अब जब लकड़ी टेपर्ड हो गई है उसके बाद हमने इसको फ्रेम को जोड़ना है। उसके लिए हम इसको कॉर्नर से काटेंगे, ऐसे कलम बनाएंगे और उसका, ये तो मेरे पास ये है ना, ये मैंने बनाया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है और इससे पहले जब ये मेरे पास नहीं था तब मैं सबसे पहले तो ये कॉर्नर काट लूंगा। ये कॉर्नर मुझे 45 डिग्री पे हमने काटना होता है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास 45 डिग्री पे है, मैं इसको यहां पे रखता हूं और ये लाइन लगा देता हूं। ये जो लाइन लगी इसको आधी से काट लूंगा मैं, इस मशीन से काट रहा हूं। इसी तरह मुझे इसकी कितनी लेंथ चाहिए उसको मैं ये करूंगा। मैं ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये 1 फुट बाय 1.5 फुट का बना रहा हूं। ये 1 फुट पे निशान, और इसी निशान पे हमने वापस इसको उल्टी साइड पे, ये जो है इस तरफ काटा था तो ये इस तरफ है। जो टेपर्ड किया होता है हिस्सा, जो यहां से जो मोटाई बन रही होती है ज्यादा, और जो ये छोटा हो रहा है भाई ये अंदर की साइड आ जाता है, और ये जो ज्यादा मोटा होता है ये बाहर की साइड पे आ जाता है। अब हमें ये और काट लेना है। ये हो गया 45 पे कट। इसी तरह मैं बाकी इसके 4 पीस, ये 2 साइड जो है इसकी 1 फुट की कटेगी इसी की, और 2 साइड जो है इसकी वो 1.5 फुट की कटेगी। ये लकड़ी कटने के बाद अब हम इसको जोड़ते हैं। ये देखें, ये 1 फुट वाली जो है वो इधर आ गई और ये जो 1.5 फुट वाली है वो चली गई। अच्छा, जो सीधा हिस्सा है और जो टेपर्ड हिस्सा है, जो टेपर्ड वाला है वो ऊपर आ जाएगा, जो सीधा है वो बिल्कुल नीचे चलाएगा। इसके लिए यहां पे कील लगा लें।
ये जुड़ गया है। अब इसके ऊपर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ही कील लगाया है और दूसरा यहां से जब हम टेपर करते हैं तो थोड़ा उतना स्ट्रांग इसका जोड़ नहीं रहता, तो हम उसके लिए, क्योंकि इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा रहे होते हैं तो ये ऐसे मुड़ सकता है और मुड़ भी जाता है, तो उसके लिए हम ये कॉर्नर लगा देते हैं ऐसे। ये देखें ये कील है, आप यहां पे ये कील लगाएं, ठीक है, ये इसके साथ आप नॉर्मल छोटे कील भी लगा सकते हैं। कॉर्नर लगने के बाद अब हम इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाते हैं, इसके साइज का हमने कपड़ा काट लिया, ये सामने वाली साइड होगी, जैसे ये आ गया, और हम इसको उल्टा रख के इसके साथ एक ये प्लायर होता है, इससे आप जो है ना वो इस कैनवस को स्ट्रेच करते हैं, हाथ से अक्सर नहीं खींचा जा रहा होता, उतनी फोर्स नहीं लग रही होती, इससे हम इसको यूं पकड़ें और ये जो होता है ये इसे सपोर्ट देता है और इसको हम खींच के यूं पिन कर देंगे। स्ट्रेचर पड़ने के बाद इसके ऊपर कपड़ा जो है स्ट्रेच हो गया, अब हम ये देखते हैं कि हमने इसको टेपर क्यों किया है और टेपर ना करते तो क्या मसला क्या आना था। अगर टेपर ना करते तो स्ट्रेचर की जो लकड़ी है ना वो यहां पे आनी थी, ठीक है। अब जब टेपर किया है हमने, उसकी वजह से ये लेवल थोड़ा सा नीचे चला गया है। आप जब भी ब्रश इसके ऊपर चलाएंगे, अगर टेपर ना होता तब यहां पे एक ऐसे, ठीक है, आउटलाइन बनना शुरू हो जानी थी, एक मार्किंग लगना शुरू हो जानी थी। अब जो है ना टेपर होने की वजह से वो मार्किंग आपको उसका मसला नहीं आएगा, आपकी जो पेंटिंग है वो सारी यहां से स्मूथ एक जैसी रहेगी। और ये जो थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं हम, जो कि डेढ़ सूत्र के करीब होता है 3/16, उसमें जो है वो इतना मार्जिन नहीं होता, फ्रेम लगने फिर भी वो क्लियर हो जाता है। इसलिए हमेशा जो है ना, जब भी ये कपड़ा कैनवस लगाते हैं, आपकी ये जो स्ट्रेचर है वो टेपर्ड होना चाहिए। अब इसके ऊपर प्राइमर लगेगा और उसके बाद आप इस पे कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं।